तुम्हें दिन में पांच बार सताती हूँ, दस मिनट भी भोजन में देरी हो तो यहाँ से वहां हो जाता है। लेकिन विश्वामित्र ने वरदान दिया कि आपको भूख और प्यास कभी नहीं सताएगी, और अतुलित बल और दिव्य तेज भगवान रामचंद्र को प्रदान किया। विश्वामित्र अपने आश्रम में पहुंच गए हैं, एक रात के लिए विश्राम किया है। दूसरे दिन सुबह जगकर राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र से कहते, महाराज अपना यज्ञ प्रारंभ का कहीं लेना बहुत इम्पोर्टेंट हुई वही बात आज के युग में ये बात ये क्यों सिलेक्ट किया है अमृत चर्चा में जी मेल अमृत चर्चा जी मेल भविष्य में मेरी जिला में सहयोग करेगा, इसलिए मारीच को बिना फर का बाण मारा 400 योजन दूर जाकर गिरा। बिना फर का बाण मारो इतना दूर बिना वीजा पासपोर्ट टिकट समुद्र पार जाकर गिरा। आगे हम कल परसों कथा सुनेंगे, जब रावण को सीता का हरण करना होगा और मारीच के पास जाएंगे कि आपको हिरण बनना है और सीता का हरण, मारीच ने कहा दुनिया में और किसी को खोज, क्योंकि मैं यहाँ पर पड़ा हूँ ना। राम ने बिना फर का बाण मारा, यहाँ आकर गिरा और बाण का ऐसा प्रभाव उस दिन से मेरे मुंह से केवल राम 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 भाई हो रहा है। तीर वाला मारा होता सुमारिच को बिना फर का बाण मारे 400 योजन दूर भेजा। सुबह आया भगवान रामचंद्र ने पावन पात्र से सुबह का वध कर दिया और अनेक ससुर आए और अनेक कसूर को भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य समाधानपुर से बुलावा आया माधव महर्षि विश्वामित्र हमारे वहाँ जा रहा है क्या करके आप भजन आपने हमारे यज्ञ को संपन्न किया। एक और यज्ञ अधूरा है जनकपुर में, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम कहो तो मैं तुम्हें अयोध्या छोड़ा हूँ, और तुम्हारी इच्छा हो तो जनकपुर में ले लाल गोविंदा आपके साथ ही चलना होती है। तो राम और लक्ष्मण जनकपुर जाने के लिए तैयार हुए। धनुष यज्ञ जनकपुर में धनुष यज्ञ होने जा रहा है, यह सुनकर भगवान रामचंद्र प्रसन्न हो गए, परम हर्षित हो गए और महर्षि विश्वामित्र आगे राम लक्ष्मण पीछे पीछे और निकले हैं और वन के मार्ग से जा रहे हैं। भगवान को वन बहुत पसंद है, सुंदर वन की शोभा देख रहे हैं, वन के पशु पक्षी को देखकर भगवान हर्षित हो रहे हैं, धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते भगवान रामचंद्र ने एक अद्भुत दृश्य देखा, वो दृश्य क्या था? आश्रम देख सीखा
राधा गोविंद गोशाला राधा गोविंद गोशाला परफेक्ट सेवा कौन भगवान ने एक बहुत सुंदर आश्रम देखा। सबसे पहले तो भगवान के मन में प्रश्न हुआ कि इस गौर वन में इतना सुंदर आश्रम, इस गौर वन में इतनी सुंदर बनावट, इतनी सुंदर कार्विंग, इतना सुंदर सजाया हुआ आश्रम। आश्रम था लेकिन उस आश्रम में रहने वाला कोई मनुष्य नहीं, कोई पशु नहीं, कोई खग जीव जंतु वहां कोई नहीं। लेकिन हाँ, उस आश्रम के द्वार पर, उस आश्रम के प्रांगण में एक पत्थर, एक शिला पड़ी थी, एक स्त्री के आकार की, एक स्त्री एक पत्थर के रूप में वहां पर। शरद के भगवान ये तो सब कुछ जानते हैं, परंतु मनुष्य लीला कर रहे हैं। गुरु विश्वामित्र से कहते हैं कि गुरुदेव, इस गोरवन में ये आश्रम किसका है? यहाँ कोई खग जीव जंतु नहीं, और यहाँ पर ये शिला, ये पत्थर, ये सब क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं,